आने पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वही हल्द्वानी में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों के सवालों का जवाब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया। वही पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तराखंड के अंदर 70 की 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था तो कांग्रेस को हटा के बीजेपी लाते थे, बीजेपी को हटा के कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस और बदले में उतना था घोटाला। कई तरह के घोटाले आप लोगों ने उठाए हैं, वाली हाउस घोटाला, सब्सिडी का घोटाला, सरपंची का घोटाला, ये सारे आप लोगों ने उठाए हैं, इस मीडिया के साथ उठाए। और मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे MLA ने किए हैं, बहुत सारे मंत्रियों ने किए हैं, तो उन सबके बीच से त्रस्त जनता आज स्टेज से हटी है। और स्टेज में केजरीवाल मॉडल, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज एक विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुआ है। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरीश रावत जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनके स्टिंग ऑपरेशन है। बजट है, काफी हैवी बजट है, मेगा बजट है आपके पास डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे स्टेट का बजट तो ऑलरेडी बहुत कम है, हम तो एक तरीके से बेगर स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे डील करेंगे कि हमारे यहाँ रिमोट एरिया तक? लेकिन उस टैक्स को इकट्ठा करने में भी चोरी हो रही है और उसको खर्च करने में चोरी हो रही है। दिल्ली में भी यही हो रहा था, दिल्ली की सरकार ने पहले ये रोके रहती थी, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं, कांग्रेस की सरकार ने भी रोकी थी, बीजेपी की रोकी, आज नगर निगम में दिल्ली में बीजेपी की सरकार यही रोना हो रही है। पिछले 5 साल से हमने टैक्स का भी रोना नहीं हो रहा, हमने कहा कि जनता इकट्ठा पैसा दे रही है, उसको ईमानदारी से इकट्ठा करो, ईमानदारी से खर्च करो। आज सरकार के पास खूब पैसा रहा है, अभी तो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन केजरीवाल जी का एकमात्र जो सबसे बड़ी है वो ईमानदार राजनीति, ईमानदार राजनीति होती है तो लोगों का टैक्स का पैसा अपने आप में पर्याप्त पड़ता है, पैसे की कमी नहीं होती है। और जहाँ तक आपने दिल्ली का कहा, दिल्ली में तो केंद्र सरकार केवल और केवल 325 करोड़ रुपए देती है साल में, जबकि उत्तराखंड को तो कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ रुपए देती है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।